हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, भाइयों और बहनों और मित्रों, स्वागत है आपका इस खास शो में जिसका नाम है अप्रैल फूल बनाया तो हमको गुस्सा आया। वैसे गुस्सा मानने कोई बात नहीं है, बुरा भी मत मानिए। वैसे भी हम लोगों को किसी बात का बुरा मानना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी द कॉमन मैन, हमारा तो जो है ना बुरा मानने का हक है ही नहीं। टैक्स भरने की जिम्मेदारी हमारी, वोट देने की जिम्मेदारी हमारी, देश का भला सोचने की जिम्मेदारी हमारी, और वो गांधी जी के तीन बंदरों की जिम्मेदारी तो आपको याद ही होगी कि बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। तो वो गांधी जी के तीन बंदरों की जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो भाई लोगों, जस्ट स्माइल एंड जस्ट इग्नोर। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बैंकों में बढ़ते घोटालों से बैंकों को बचाने के लिए जल्दी एक नया किस्म का टैक्स लगाया जा सकता है। इस टैक्स के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ घोटाला भवन से सीधे जुड़ रही हैं झाड़ू देवी जी। तो झाड़ू जी, अब कहाँ झाड़ू लगने वाली है? जी देखिए, हमेशा से ही झाड़ू कॉमन मैन के बटुए पे ही लगता रहा है। खैर, जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ वहाँ एक मीटिंग चल रही है अंदर, और जिसका शायद मकसद ये हो सकता है कि एक नया टैक्स शुरू किया जाए। उस टैक्स का मकसद वो होगा उन बैंकों का उद्धार करना जो पहले से ही लूटे पीटे पड़े हैं, जैसे कि PNB, जहाँ अपने नीरव भाई मोदी पहले से ही अच्छे से स्वच्छता अभियान चलाकर जा चुके हैं। इसमें बैंक क्या करेंगे, आपके हर ट्रांजेक्शन पे लकी 13 रुपीज आपके काटेंगे, ठीक है। और बैंकों का ये मानना है कि ऐसे करते करते एक डेढ़ साल में जो 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ है वो वापस उनसे आ जाएगा। इसके बाद ऐसा ना हो इसके लिए बैंक एक घोटाला कॉर्पस फंड बनाएगा, जिसमें अगर आगे ऐसे हादसे होते हैं तो उसके लिए इनफ पैसे हो और जोर का झटका धीरे से लगे। What an idea, sir जी। देखिए, win-win situation है इस केस में, घोटालेबाज भी खुश और कॉमन मैन भी खुश। पर you know, आप हर किसी को हर बार खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग होते ही हैं जिनको इतनी वंडरफुल स्कीम्स समझ नहीं आती। हमने बात की कुछ ऐसे ही लोगों से। अब क्या 13 रुपए का हिसाब करते रहेंगे सर? GST के कैलकुलेशन में तो तोते उड़ जाते थे, अब ये अलग सा हिसाब कहाँ से करेंगे हम? अरे भैया, ये भी कोई बात हुई? अभी तक स्वच्छ भारत सेस का तो कोई जुगाड़ हो नहीं पाया था, अब ये 13 रुपए की चुंदी चोरी और करनी पड़ेगी, और इस देश में हमारे जैसे चुंदी चोरों की तो कोई औकात ही नहीं है। एनीवे, अभी हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, और इस ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक अब लोन लेने से पहले आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा ताकि आप लोन लेकर विदेश भाग कर जाना सके। इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं झोलू राम। वैसे इनको आप आम आदमी मत समझिएगा, क्योंकि 7 बैंकों का पैसा खा के बैठे हैं। तो झोलू राम जी, आप कैसे करेंगे घोटाले? अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपने पास वैसे भी 5 पासपोर्ट है। ये दिखा रहे, एक दिखाएंगे बाकी से भाग जाएंगे। अब आप तो जानते ही हैं हम फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, ठीक है। हमारे नाम से मोहल्ले में लोग चिड़िया और तोता उड़ मैना उड़ खेलते हैं, ठीक है। बात हो जाए, ये दिखाना जल्दी। नाइस। बाय द वे, उड़ने से याद आया कि चिंदिगो नाम की एयरलाइंस की कई उड़ाने बिठा दी गई। खबर ये है कि हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया था। यार, ये एयरलाइंस तो पैसेंजर्स को पिटवाती थी, ये अब कौन सी नई स्कीम लेकर आई है? एनीवे, सरकार ने इन फ्लाइट्स को इसलिए बिठा दिया क्योंकि सरकार के पास ये पुख्ता खबर थी कि ये फ्लाइट्स धरती से सीधे जन्नत की सैर पर ले जाती है। वैसे सरकार के इस फैसले से देश भर के घोटालेबाजों के ट्रैवल प्लान्स को गहरा झटका लगा है, जो घोटाला करके फॉरेन टूर पर निकलने वाले थे। वहीं दूसरी ओर खबरें ये भी आ रही हैं कि चिंदिगो की फ्लाइट बुकिंग्स में 10% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कई परेशान पति अपनी पत्नियों के मायके के टिकट चिंदिगो से करा रहे हैं। तो भैया सुन क्या रहे हो, कई पति करा रहे हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, कराओ फ्लाइट टिकट, 10% डिस्काउंट भी। अब देखिए हमारी खास खबर, इस बुलेटिन की सबसे खास खबर। क्या आप शादी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुल्हन रूप की रानी हो? तो आपको चोरों का राजा बनने की जरूरत नहीं है, बस अपना लोन वक्त पर चुकाइए। शादी ब्याह अब दिल नहीं, सिबिल का मामला है। कर्ज में डूबे लड़के के शादी के सपने अब सपने बनकर ही रह जाएंगे। दूल्हे के गुण ही नहीं, उसके कर्ज पर भी लड़की के घर वालों की नजर। क्रेडिट स्कोर और कर्ज की जानकारी के लिए जासूस और एजेंट का भी सहारा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, पेशे से कारोबारी हैं और शादी के सपने सजा रहे हैं,
तो ये खबर आपके लिए है। शादी के सपने सजाने से पहले अपने क्रेडिट कार्ड के बिल और लिए गए लोन को ईमानदारी से चुकाते रहिए, वरना हो सकता है कि आपको आपके सपनों की मल्लिका मिल ही ना पाए। जी हां, बैंक डिफॉल्टर्स के सामने आते मामलों की वजह से दिल्ली के कारोबारी सतर्क हो गए हैं। खासकर मामला शादी ब्याह का हो तो बेटी के परिवार वाले नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी जिस घर में हो वहां कर्ज का बोझ उसके लिए मुसीबत बन जाए। इसलिए कारोबारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी कि सीबिल की मदद ले रहे हैं। तो देखा आपने, अगर आप लोन चुकाते हैं वक्त पर तो अच्छी बीवी मिलने की गारंटी है। यार ये स्क्रिप्ट कौन लिखता है, अच्छी बीवी मिलने की गारंटी तो भगवान भी नहीं देता यार, ये ऐसे लोन चुकाने से नहीं, बट एनीवे सुंदर बीवी मिलने की गारंटी है। एंड माइंड यू, अगर पूरा का पूरा लोन लेकर आप फरार हो जाते हैं तो और भी अच्छी बीवी मिलने की गारंटी है। ये बात साबित करते हैं किंग ऑफ गुड टाइम्स, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे जवां मर्द की, द वन एंड ओनली किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या। The great, larger than life. मतलब जनाब शादी कर रहे हैं, अब you know, आपके छोटे दिमाग में ये आ रहा होगा कि 62 साल की उम्र हो गई है, ईडी से भागे भागे फिर रहे हैं, ये कोई उम्र होती है इन सब एडवेंचर्स के लिए? लेकिन जनाब का जज्बा देखिए, बस 55 से थोड़ा ही तो बड़े हुए हैं यार, दिल तो बच्चा है जी। लेकिन एक बात अब समझ में आ गई कि ऋषिकेश जाने की उम्र में माल्या जी 9,000 करोड़ रुपए का माल लेकर लंदन क्यों भाग गए? फ्यूचर प्लानिंग, यू नो फ्यूचर प्लानिंग होती है ये, मतलब 9,000 करोड़ लेकर भागे। माइंड यू यार, हमें भी कुछ इस तरीके की फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। बट एनीवे, खैर, एसबीआई का बैंड बजाने के बाद माल्या साहब अब अपनी बारात निकालने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एसबीआई की होने वाली भाभी से, मिस लालवानी से। पिंकी जी और माल्या जी की प्रेम कहानी शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइन से। भाभी एयर होस्टेस थी और माल्या जी किंग ऑफ गुड टाइम्स। किंगफिशर एयरलाइंस तो डूब गई मगर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ गया और फिर 2 मार्च 2016 को दिलवाले दुल्हनिया और माल दोनों लेकर लंदन फरार हो गए। व्हाट अ लव स्टोरी, नहीं मतलब जिसे कहा जाए, आई नो बॉलीवुड को इसके ऊपर एक मूवी बनानी चाहिए। आई थिंक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रिकॉर्ड तोड़ देगी, राइट? एनीवे, अब वक्त है जनता की राय जानने का। हमने आम लोगों से पूछा बहुत ही आम सवाल कि माल्या जी की शादी की खबर सुनकर उनके मन में कितने लड्डू फूटे। क्या विजय माल्या की शादी? ओ, इतना बुड्ढा, ये कैसे हो सकता है? विजय माल्या सीरियसली किसी शादी? सीरियसली, इट्स शॉकिंग। विजय माल्या 62 की एज में शादी कर रहा, वो भी तीसरी? बंदी पागल है क्या? 10 शादियां ही क्यों ना कर ले, मैं कोई नहीं होती उसकी लाइफ में जज करने वाली, इंटरफेयर करने वाली। तो आजकल लोगों को एक लड़की नहीं मिलती है, यहाँ तुमको तीसरी मिल रही है और वो भी इतनी सुंदर और इतनी अच्छी। अच्छा तुम शादी कर रहे हो तो ठीक है, पैसों के बारे में भी कुछ सोच लो यार, इसमें भी लगेंगे ना। एक नहीं होने को देखिए, इस उम्र कितने साल का है? आइए अब जानते हैं कि माल्या जी की आलिशान शादी में बाराती कौन कौन होंगे। खबरें हैं कि देश के नामी गिरामी हस्तियों के साथ साथ किंग ऑफ गुड टाइम्स के घोटालेबाज बड़ी इस बीच जश्न का हिस्सा बनेंगे। यस, हमें माल्या जी के वॉशरूम से एक दस्तावेज मिला है जिसमें आई गेस गेस्ट लिस्ट की सारी डिटेल्स दी गई है। हाँ हाँ, डिटेल्स काफी है इसमें। तो पहला नाम जो दिख रहा है इस लिस्ट में वो है नीरव मोदी का। ऑब्वियसली 13,000 करोड़ का घोटाला किया है, पीएनबी के हॉल ऑफ फेम में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, एसबीआई के दामाद की शादी में इनका नाम तो बनता है जी। अगला नाम है ललित मोदी का। अरे ये तो माल्या जी के खाली वक्त के लूडो साथी हैं, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आगे तो आप बना ही लेंगे नहीं। अगला नाम नारायण दत्त तिवारी और इनके नाम के आगे तो बेस्ट मैन भी लिखा हुआ है। गुड चॉइस, गुड चॉइस। ओ, इस लिस्ट में तो कोई इंटरनेशनल गेस्ट भी शामिल हैं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम है।
यूएस के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, एंड सीवी देखिए आप इनका, सीवी देखिए आप इनका, तीन बार घोड़ी चढ़ चुके हैं, एंड आई एम श्योर कई प्रोटिप शेयर करके जाएंगे. नहीं पर ये ब्रैकेट में स्टॉमी डेनियल्स क्या लिखा हुआ है यार, चलो इसे इग्नोर करते हैं. अगला नाम जो है वो है इमरान खान का. ये भी अभी नए नए दूल्हे बने हैं, उम्र में भी आसपास ही होंगे. इनवाइट करना तो बनता है ना, दूल्हे दूल्हे की केमिस्ट्री जमेगी, अब इनको तो इनवाइट करना बनता ही है. अब एक बार फिर से जनता जनार्दन की राय ले लेते हैं. हमने लोगों से पूछा कि अगर वो किंग ऑफ गुड टाइम्स को वेडिंग गिफ्ट देना चाहे तो वो क्या होगा. आप ये देखिए, आप प्लीज मेरे लिए सैनिटाइजर लगे. जरूर एक बैंत देनी चाहिए और एक वॉल क्लॉक, इनको पता लगना चाहिए कि भाई समय आ चुका है, थोड़ा ये थोड़े जवानी से हटे जरा, और अब ये तीसरी शादी का समय नहीं है, अब थोड़ा गीता वीता पढ़े और आराम से बैठे बैठे. अगर मुझे शादी में जाने का मौका मिला तो मैं क्या दूंगा? मैं तो बिल्कुल भी ना जाऊं. चलिए जनता द किंग ऑफ गुड टाइम्स को क्या गिफ्ट देगी ये तो जान लिया. अब जानते हैं इनके स्पेशल गेस्ट इस लवली कपल को क्या क्या गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं. सॉरी माल्या जी, आपका सरप्राइज हम किल कर रहे हैं. ड्रम रोल प्लीज. सबसे पहले नीरव मोदी साहब, जो इस कपल की पूरी फ्यूचर प्लानिंग की तैयारी के हिसाब से आ रहे हैं. अरे हम वो गुड न्यूज वाली फ्यूचर प्लानिंग नहीं, फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं. तो हमें अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि नीरव मोदी साहब पीएनबी कैनरा बैंक के अपने सारे बचे हुए एलओयूज को एज ए वेडिंग गिफ्ट देने वाले हैं. भाई आने वाले माल्या जूनियर के उज्जवल भविष्य का भी तो ख्याल रखना है. आखिर ये 9000 करोड़ रुपए कब तक चलेंगे? कल के घोटाले की प्लानिंग आज से तो करनी ही होगी ना, तो ये एलओयूज फ्यूचर प्लानिंग में काम आएंगे. वहीं माल्या जी के दूसरे बीएफएफ एके घोटाला बड़ी ललित मोदी ने द किंग ऑफ गुड टाइम्स की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अच्छे दिन लाने का वादा किया है. 10 साल से एक भी टाइटल नहीं जीत पाने का गम आप क्या जाने ऑडियंस बाबू. नेक्स्ट इन द लिस्ट एन डी तिवारी. गेस कीजिए तिवारी जी अपने अपार अनुभव के खजाने में से क्या वेडिंग गिफ्ट देंगे. यू नो थर्ड टाइम इज लकी. तो तिवारी जी माल्या जी के टाइम को गुड टाइम्स बनाने के लिए खास पहाड़ी शक्तिवर्धक जड़ी बूटियों का भंडार लेकर आ रहे हैं. जहां हर कोई इस ब्यूटीफुल कपल के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है, वहीं पाकिस्तान से इमरान खान कटोरा लेकर आ रहे हैं. भाई उम्मीद तो यही है कि कुछ चंदा मिल जाएगा. याद नहीं 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल, जहां उन्होंने अपने हॉस्पिटल के लिए चंदा मांगा था वर्ल्ड कप जीतने के बाद. एनीवे खबरें ये भी हैं कि इमरान भाई अपनी चौथी शादी का इनविटेशन कार्ड भी साथ ला सकते हैं. वैसे हमारे हाथ इस वक्त एक चिट्ठी लगी है. लाओ रे. आह उड़ गई. चिट्ठी आई है. चच्चा की चिट्ठी आई है. ये चिट्ठी लिखी है हमारे देश के चारा मैन ने. समझ तो गई होंगे, आइए चिट्ठी पढ़ते हैं. प्यारा दुलारा मलुआ, कैसन बा तोहार शादी का सुनल, बहुत खुशी भाई. लेकिन बेटा हमरा माफ करी, हम तोहार शादी में ना आ पाई. अब का बताएं बेटवा, तू तो भाग गई देश छोड़ के, और यहाँ सरकार हमरा पीछे पड़ गई. हम यहाँ जेल में चक्की पीस रहे हैं और भैंस का चारा बना रहे हैं. अब हम तोहरा का बताएं बेटा, दिल के दर्द. तोहार तीसर शादी मन रहल बा और हमरा चौथा मामला उमर कैद मिल गई. जब से जेलवा में है हमरा काम, हमरी राबड़ी और हमरा घरवाला टीम देख रहा है. हमरा तो तुमको राय है कि जल्दी से सिद्धार्थ 11 तुम भी खड़ा कर लो, यानी एक पूरा टीम. 10 साल बाद तुमको भी जरूरत होगा, बिकॉज फैमिली प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक अस. बाकी उम्मीद है कि जल्दी मिलेंगे रांची जेल में. वैसे एक बात बताएं, साइड वाला कमरा सजा दिए हैं, झमाझम इंतजाम है, फुल टाइट माहौल बना कर रखे हैं तुम्हारे लिए. कैदी सबको बोल दिए हैं, तुम्हारा कैलेंडर वो यहीं छपवा देगा. तोहार कक्का लालू. सच में आंसू आ गए इस प्यार भरी चिट्ठी को पढ़ के, मतलब मेरा गला भरा है. आई थिंक अब ये इस शो को यहीं रोक देना चाहिए. वहाँ माल्या जी प्यार मनाएंगे लंदन में, आप अपने घरों में प्यार से रहिए, और हम सभी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी अप्रैल फूल्स डे. क्या है बॉस, ये आप ले गए.